हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अधिराज में भारत पर हुआ 18वां आतंकी हमला, 56 इंच की छाती कब जवाब देगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में हुए एक IED ब्लास्ट में 12 जवान शहीद हो गए। हमलावरों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाया था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमले की जिम्मेदारी जैश ए मोहम्मद ने ली है। वहीं इस हमले पर विपक्षी दलों ने भी निंदा व्यक्त की है और साथ ही साथ मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घटना पर कहा कि पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत की है। उन्होंने कहा कि उरी, पठानकोट और अब पुलवामा, मोदी सरकार के नेतृत्व में आतंकी हमलों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार ने 18वां हमला हुआ है, 56 इंच की छाती कब जवाब देगी। इससे पहले स्थानीय पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान देते हुए बताया गया है कि दोपहर 2:30 बजे प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में धमाका हुआ जिसमें 12 बच्चे घायल हुए हैं। सभी की हालत ठीक है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पुलवामा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर में सेना का जवान शहीद हुआ था जबकि एक जवान घायल हुआ था। इससे पहले भी उरी सेक्टर में कुछ संदिग्धों को देखा गया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।